नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए देखते हैं, जैसे कि आपका पेपर हो चुका है अब, और हरियाणा ग्रुप डी का पेपर होने के बाद जिसके नंबर अच्छे बनते हैं उसका तो बढ़िया बात है, जिसके नंबर कम बनते हैं वो भी, चाहे नंबर ज़्यादा बनते हैं आपके बनते हैं, आप उस बात को भूल जाइए, जो हुआ वो हो गया, ठीक है ना। जो होना था हो गया, अब नए पे ध्यान दीजिए। यानी आपकी जो मेन टारगेट क्या था, लाइनमैन और एसए था, क्योंकि अच्छी पे ग्रेड की नौकरी है, 2400 पे ग्रेड की है। ग्रुप डी से तो काफ़ी हद तक ज़्यादा सैलरी है, वहाँ 25 से 27 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, यहाँ पर आपको रेसक अनाउंस मिला के लगभग सैलरी मिलेगी, तो यानी उससे डबल के लगभग चली जाएगी। तो ध्यान दीजिए इस बात पर, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। तो इस पे ध्यान दे के अपनी सफलता को अग्रसर करें। बाकी आप जहाँ पे भी पढ़ना चाहते हैं, कहीं से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तैयारी दोबारा करने कैसे स्टार्ट करें जी, तो तैयारी दोबारा शुरू कैसे करें, प्रॉब्लम हो गई है जी, भूल गए हैं, याद नहीं रहा, सारा कुछ ऐसे लगता है जैसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ, अगर जिसने 15-20 दिन से पढ़ाई छोड़ रखी है ना, वो जीरो से के बराबर ही है, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपकी चीज़ें धीरे अपने आप याद आ जाएगी जैसे ही आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से पढ़ना है ताकि वो याद आ जाए। आप अगर पहला स्टेप आपका रहता है भी अब, तो पहले तैयारी की हुई है, रिवीजन किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, अब सीधा सीधा क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, तो आप डीमोटिवेट होंगे। पहले ऐसा ना करें। पहले आप क्या करें, अब दोबारा कैसे करें, पहले का जवाब दे देता हूं मैं, दोबारा तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। कुछ मारती हैं जिनको पता भी होगा, वो ज्ञानी है ज़्यादा, तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, उनके लिए वीडियो नहीं है। जो बच्चे ये सोचते हैं भी तैयारी कैसे करें, और जो समझना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। यानी जो समझना चाहते हैं, जो बार बार मैसेज करते हैं, सर किस प्रकार से, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे नहीं हो पाएगा, टेक्निकल चीज़ें भूल चुके हैं, ये वो, मतलब एग्ज़ाम कब होगा, ऐसी बातों का जवाब आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ज्ञानी, कुछ मतलब कुछ व्हाट्सअप ज्ञानी है, कुछ टेलीग्राम ज्ञानी है, तो अलग अलग प्रकार के ज्ञानी आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो उनका अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, और आप भी तैयारी कर रहे हो, तो राय अगर बराबर वाले से लेनी है तो फिर फ़ायदा क्या है उसका, ठीक है। अगर उनकी राय पर आपको चलना है तो वो तो आपका कंपिटिटर है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक खिलाड़ी हो और आपके सामने वाली टीम है, उसके खिलाड़ी से आप कोई भी मतलब राय लेते हो, ठीक है, कहते हो भी मुझे कैसे प्रकार बॉल फेंकनी चाहिए, तो वो आपको सही बताएगा क्या? तो आपके स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के साथ मिलके आप स्टूडेंट से राय लेते हो, तो वो आपका कंपिटिटर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो वो तो ये चाहते हैं, क्योंकि वो उनके आप क्या लगते हो, सिर्फ व्हाट्सअप के फ्रेंड हो, या सिर्फ टेलीग्राम के फ्रेंड हो, या उनके चैनल से आप जुड़े हुए हो, या किसी तरीके से। एक टीचर है, वो भी आपको यही चाहता है, भी ये बताता है भी आप किस तरीके डायरेक्शन में जाना है, बाकी जो भी चलता है वो ठीक है, ना चलता है वो ठीक है, ठीक है। तो आप कंपिटिटर की बातों में ना है, एक दूसरे को कंपीट करके आगे निकलने वाले हैं, ठीक है। रेस में आप तैयारी करते हो, दो साथ एक साथ दौड़ते हो, तो वो आपका साथी आपको थोड़ी टिप्स बताएगा भी आगे कैसे निकल जाओ, तो कहेगा ये हारे तो फ़ायदा है मेरे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को उसी प्रकार से करें जैसा आपको बताया जाता है। अगर आपको तैयारी करनी है, माननी है बात, तो आप मान लीजिए, ना माननी है तो फिर वो आपकी मर्जी होती है, क्योंकि हम कोई आपके वो नहीं है, ठीक है, भी आपको डरा धमका के कह दें। तो तैयारी पहले कैसे करनी है, तो अपने नोट्स को रिवाइज़ करें, ठीक है। कुछ ऐसे भी कहेंगे, सर टाइम ख़राब हो रहा है, आप जल्दी से मुद्दे पे आइएगा, तो भाई मुद्दे पे आइएगा तो यहाँ मुद्दा कोई भी नहीं चल रहा है, ठीक है। मुद्दा चल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, बस, ठीक है। जो मोटिवेट दूसरों को करते हैं उनका मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। जिनका कीमती टाइम है, तो टाइम अप, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब दोबारा तैयारी कैसे करें, दोबारा तैयारी करने का मुद्दा तो होता है भी, आप सबसे पहले अपने नोट्स बना रखे हैं, आपने कोई भी आपने नोट्स बना रखे हैं, उनका रिवीजन करें, नोट्स अपने रिवाइज करें बहुत बढ़िया तरीके से। पहले सबसे पहले, अब जो आप बुक उठाओगे ना टेक्निकल की या नॉन टेक्निकल की, तो आप सबसे पहले अपनी बुक उठाएं टेक्निकल की, और उसके अंदर वो चीज़ें रिवाइज करें, सारे का सारा जो नोट्स बनाए हुए हैं आपके, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, बुक की बात नहीं कर रहा, आपके नोट्स बनाए हुए हैं किसी भी टीचर से पढ़ के, तो उनको पहले रिवाइज करें। उनको जैसे रिविजन करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। दूसरा स्टेप आपका हमेशा रहता है थ्योरी के बाद, हमेशा अच्छा स्टेप और बढ़िया स्टेप माना जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी दो काम होने के बाद आप MCQ करिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए, साथ साथ में आप क्या करना स्टार्ट कीजिए, साथ में आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कीजिए, और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें पढ़ते जाओगे, आराम से आपका सिस्टम वापस उसी लाइन पे आ जाओगे। यानी 5-7 दिन के अंदर उसी पटरी पे आप दौड़ना शुरू कर दोगे जिस तरीके से पहले दौड़ रहे थे। पहले अपने नोट्स रिवाइज करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उसके बाद MCQ पढ़ें, अपने MCQ पढ़ें, ठीक है ना। जैसे भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, बढ़िया तरीके से अपना ध्यान दें उस पर, प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दें। और प्रैक्टिस सेट आपको ऑफलाइन मिलता है तो भी बढ़िया, ऑनलाइन मिलता है तो भी बढ़िया, ठीक है, जैसे भी जहाँ से मिलता है आप ले सकते हैं, मैं तो मेरे के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा। दूसरा डाउट ये रहता है भी एग्ज़ाम कब होगा सर, ठीक है, इस तरीके से तैयारी करोगे पटरी पे आ जाओगे 4-5 दिन के बाद, यानी लाइन पे आप उसी तरीके से दौड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। दूसरी बात, एग्ज़ाम हो सकता है सर, एग्ज़ाम कब हो सकता है, एग्ज़ाम होने के बार बार मैसेज आ रहे हैं क्या अभी पेपर होगा, तो भाई सही अगर 100% की बात करें तो 31 तारीख को पता चलेगा, और 99% की बात करें तो नवंबर में पेपर है, 99% की बात करें तो सारा सौदा है 31 तारीख को फारिक होने की केस 99% संभावना है, और 99% संभावना है तो ज़्यादा संभावना है, तो 31 को जैसे ही हो जाता है तो अच्छा सस्सी के पास आपका सारा डाटा तैयार है, क्योंकि आपकी पहले एग्ज़ाम डेट निकाली गई थी, अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उनको रोल नंबर डालना है आपका, वो भी तैयार हैं सारे के सारे, उनके पास सारा डाटा है, अलग अलग से छांट लिए गए हो आप, आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, सारा कुछ तैयार है उनके पास, ठीक है। अगर आती है तो सबसे पहले टेक्निकल के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, 56-57 का लेना पड़ गया था उनको, कारण था उसका, है ना, ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना था। तो अब 15 तारीख तक, 15 नवंबर के लगभग आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, अगर 31 तारीख को केस फारिक हो जाता है तो, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे डेट देते हैं उन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, इस महीने 1-1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें जो चीज़ें आपने नहीं थी। साथ में कंप्यूटर 10 नंबर का है, उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको भूलें मत, ठीक है, उसको अलग छोड़ दिया है आपने, देख रहे हैं आजकल आपका थोड़ा सा रुझान उधर नहीं है। 20 नंबर की टेक्निकल चीज़ें, नॉन टेक्निकल चीज़ें आपने ग्रुप डी की अब तैयारी की है तो कुछ रिवीजन हो गया, उससे आपको कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा, तो मेरिट अच्छी जाएगी, कंपटीशन भी अच्छा होने वाला है, एलम के अंदर ऐसा नहीं है अभी बहुत कम कंपटीशन होगा, बढ़िया लेवल का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 8-10 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए, तो आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, सभी ने, आप जितने भी देख रहे हैं सभी ने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो उस पे ध्यान दें, कंपटीशन अच्छा होने वाला है, बिल्कुल डिले में ना ले, ठीक है। कुछ कहेंगे कुछ कंपटीशन नहीं होगा, क्वालिफाई वाले भी नौकरी लग जाएंगे, तो भाई आप उनकी बातों में आके अपनी तैयारी को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को छोड़ सकते हैं, और अपने आप जो भी आपको राय बनानी है अपने आप में तो आप बना सकते हैं, उसका कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, नौकरी आपकी नौकरी आपके काम आएगी, आपके परिवार के काम आएगी, न तो मेरे काम आएगी, न किसी और पड़ोसी के काम आएगी, ना आपके रिश्तेदार के काम आएगी, किसी दोस्त के काम नहीं आएगी, आपके ही काम आएगी, अगर नहीं लगे तो आपका परिवार बेक जाने वाला है, आप बेक जाने वाले हो, सफलता के रास्ते से भटकने वाले हो, तो वो आप ही हो, ठीक है ना, यानी अगर आप नौकरी पाते हो तो लाभ भी आपको होगा, अगर नहीं पाते हो तो हानि आपको और आपके परिवार को साथ में होगी, ठीक है ना, और लाभ भी आपको और आपके, यानी एक आप अपने परिवार को कितनी खुशियां दे सकते हैं, या अपने परिवार को आप उसी तरीके से देखना चाहते हैं जिस तरीके से है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती, तो मेहनत ना करिए, कोई मतलब नहीं बनता उसका, फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, 8-8 घंटे बैठ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, ट्विटर चलाइए, कोई भी चीज़ आप चलाइए, गेम खेलिए, मूवी देखिए, जैसे भी आपका वेब सीरीज़ वगैरह देखिए, बहुत चीज़ें एंटरटेनमेंट के साधन बहुत हैं, तो अपना टाइम पास कीजिए, मज़े लीजिए, ठीक है ना, फिर जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर स्टडी के चक्कर में आप कितने महीने बर्बाद कर दो, क्यों अपना समय बर्बाद करें, ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, फिर ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो अपना एंजॉय करिए फिर, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है भी क्वालिफाई हो जाएगा और अपना नंबर आ जाएगा, जैसे मतलब ठीक है, जिन जो चिराग वाला जिन है वो अपने आप से निकल जाएगा, ऐसा सिस्टम है, तो ठीक है, अगर आप चाहते हो भी नौकरी लगना है तो सफलता करनी पड़ेगी, सफलता के सिवा, सफलता लेनी है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई रास्ता दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना, पेपर ग्रुप डी का भी लीक नहीं हुआ था, ठीक है, जो हथकंडे में बैठे हैं अभी ऐसा करवा लेंगे, जुगाड़ बना लेंगे, वो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसके हिसाब से सेटअप होगा सारा का सारा, ठीक है, तो एग्ज़ाम आपके नवंबर में होने की संभावना पूरी जताई जा रही है, बाकी पढ़िए भैया, बोलो जी नवंबर में नहीं होता, नवंबर 2000 पेपर 2024 में होगा, तो जिसको ये लगता है 2024 में होगा तो वो 2024 के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, है ना, तो 2024 के हिसाब से वो तैयारी करें, और जिसको ये लगता है नवंबर में होगा दिसंबर में होगा वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रेगुलर रखें, ठीक है, आपकी नौकरी आपके पास रहेगी, ठीक है, और सब भूल गए हैं तो तैयारी कैसे करें, भूलने का यही कारण है भी आप भूल गए तो थोड़े टच से दूर हो गए, बाकी भूला कुछ नहीं है, दिमाग वो आपकी सारी चीज़ें याद रखता है, ठीक है, उसको रिवीजन करें, थोड़ा सा छेड़ेंगे उस चीज़ को अपने आप याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी बातें सारी की सारी, तो ये सारी की सारी बातें थी आपकी जो बतानी थी,
ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरीके से पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, एग्ज़ाम कब होगा, और अब भूल गए हैं तो क्या करें। तो भूला कुछ नहीं है, नोट्स अपने रिवाइज़ करोगे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें जितने भी बच्चे हैं बढ़िया तरीके से रेगुलर रहिए, जैसे अगर YouTube पे क्लासें हैं डेली एक क्वेश्चन एक चैप्टर के क्लास आपको पूरी करवाई जा रही है, तो वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीज़ें आपकी सारी सारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो डेली 100-150 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, आधे घंटे में हो जाएंगे आपके, तो क्लासें देखने की कोशिश करें। और साथ साथ में जितना भी कंटेंट आपको दिया गया है, जितना कंटेंट दिया गया है, तो 95% क्वेश्चन आपके उस कंटेंट से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे क्रेश कोर्स है, चाहे आपके क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, चाहे आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, MCQ कराए गए हैं, थ्योरी करवाई गई है, तो वहाँ से 95% जिसने शिद्दत से फॉलो किया है अपने को, जिसने शिद्दत से शुरू से आज तक वो फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। 95% की मैं कह सकता हूँ भाई, 95% क्वेश्चन आपके सेम डेटो मिल जाएंगे। डेटो का मतलब जितनी थ्योरी पढ़ाई इतना कुछ पढ़ा दिया, इससे बाहर क्या आएगा, निम्मे की थ्योरी पढ़ा दी है, MCQ करवा दिया, चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज PYQ, प्रैक्टिस करवाने स्टार्ट की थी बीच में, ठीक है ना। उसके बाद में अब जो MCQ चल रहे हैं, सारे चैप्टरों के MCQ हो जाएंगे आपके 8-10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। भी एक चैप्टर डेली है, एक चैप्टर डेली है, हो सकता है दो चैप्टर भी एक वीडियो में मिल जाए आपको, सारे क्वेश्चन जितने भी है, यानी एग्ज़ाम तक रेगुलर चलेगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पढ़ते रहिएगा बस, वो रेगुलर रहिएगा, इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए, ठीक है। शुभ रात्रि है आपके लिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक ज़रूर करें, भी आपको कैसी जानकारी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि एक माहौल बने, पॉजिटिव माहौल बने। बस तो आज के लिए इतना ही।